उस रिश्वत का कोई नेमुल बदल उनको देना था, तो आपको ये हक किसने दिया है कि आप आवाम के जो पैसा है और जो टैक्स पेयर का पैसा है आप उस पे उनको कॉम्पनसेट करें और उनको फेवर्स दें, ये हक आपको किसने दिया? बात यह है कि इतनी बड़ी चोरियां तो बड़ी हैं, लेकिन जिस दीदा दलेरी से और जिस सीना जोरी से वो चोरी की गई और उस पर जिस तरह झूठ बोला गया, मैं नहीं समझती कि इसके मिसाल पूरे 74 या 75 ईयर्स में मिलती है। और हमें क्या सुनाया जाता था, हमें बारहा मज़हब का नाम इस्तेमाल किया जाता था अपने जो काले करतूत हैं उनको छुपाने के लिए, मज़हब का लिबादा उड़ाया जाता था, ये भी सबसे बड़ा जुर्म है। हमें हज़रत उमर की रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कहानियाँ सुनाई जाती थीं, उनके किस्से कोट किए जाते थे, बार बार रियासत मदीना का ज़िक्र किया जाता था और हमें कहा जाता था कि ताकतवर कानून के नीचे होगा तभी इस मुल्क में तब्दीली आएगी। तो मैं आज ये पूछना चाहती हूँ कि आपने अपनी ताकत और धौंस और धांधली का और इस्तेमाल करते हुए आपने क्यों 7 साल इस रिपोर्ट को रोके रखा, आपने क्यों इस जो इन्वेस्टिगेशन है उसको रोके रखा, आपने क्यों ECP पर दबाव डाला कि वो इसको जो है वो ना इस पर आगे बढ़े ना इसको रिलीज़ करे रिपोर्ट को? तो ताकतवर, जब आपके पास ताकत आई तो आपने ये इस्तेमाल किया ताकत का? हर किसी ने पाकिस्तान में जवाब दिया, नवाज शरीफ साहब ने अपनी 3 नस्लों का जवाब दिया, अपने नाकर्दा गुनाहों का जवाब दिया, मैंने जवाब दिया, मेरे आसपास जितने लोग बैठे हैं मुस्लिम लीग नून के उन्होंने जवाब दिया, बाकी जमातों ने आपका जो अताब है आपका जो इंतकाम है वो सहा। आप में कौन से सुरखाब के पर लगें कि आपकी जब बारी आती आप चुप करके झूठ बोल के ताकत का इस्तेमाल करके आप एहतसाब से निकल जाते? जब आपसे अभी BRT का आज भी एहतसाब करने की इजाज़त नहीं दी जा रही, जो BRT पेशावर में बनी है उस पर भी आपकी हुकूमत सांप भर के बैठी है, उसके बाद आप आ जाएं जो गैर मुल्की तोहफे आपने लिए गैर मुल्की सरबराहों से लिए, और आपने क्या जवाब दिया पाकिस्तान के अवाम को कि मैं नहीं दूंगा जवाब मेरा जो कर। और ना सिर्फ ये कि फॉरेन फंडिंग की जो आपने जिस तरह से झूठ बोला, गबन किया, आपने माफियाज की सरपरस्ती की, आटा माफिया, चीनी माफिया, LNG माफिया, बिजली माफिया, आपने उन सब को नवाजा, आपके राइट लेफ्ट आगे पीछे सब उन लोगों की एक माफियाज की सरपरस्ती है और आपने उनको मजबूत भी किया और आपने उनकी तरफ से आंखें बंद किए रखी, पाकिस्तान के अवाम उसको भुगतते रहे। उन्हीं की वजह से ये महंगाई आज जो आप देख रहे हैं, महंगाई का जो सैलाब आया पाकिस्तान में, वो सब इमरान खान के माफियाज की वजह से आया है। फिर आप ये देखें कि एक ऐसे शख्स को सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट थमा दिया गया, जिन्होंने थमाया वो साकिब निसार साहब की भी हकीकत आज अवाम पे पूरी आश्कार हो चुकी है कि जिस ऐसे शख्स को आपने सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट दे दिया कि जिसका बाल बाल करप्शन, गलत बयानी, झूठ में डूबा हुआ है। साकिब निसार साहब से भी मैं पूछना चाहती हूँ कि आज आपका वो सदाकत और अमानत का सर्टिफिकेट कहाँ स्टैंड करता है? पूरी दुनिया आपके ऊपर आज थू थू कर रही है कि आपने 22 करोड़ अवाम के मुल्क की हुक्मरानी एक ऐसे शख्स को दे दी जिसने इतने बड़े बड़े फ्रॉड किए हुए हैं और फिर उन फ्रॉड को ताकत के नीचे दबाया हुआ है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्यों मुल्क को किसी ऐसे शख्स के हवाले कर दिया गया और किसी ऐसे शख्स के रहमो करम पे छोड़ दिया गया जिसने चोरी की, फ्रॉड किया, झूठ बोला, छुपाया, अपने गुनाहों को छुपाया, अपने दोस्तों के गुनाहों को छुपाया। गुनाहों की फहरिस्त यहीं पर ख़त्म नहीं होती।